अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम मीना तारिक है। मुझे तो आप सारे लोग नहीं नजर आ रहे, बट आई होप कि आप सारे लोगों को मैं और मेरी स्क्रीन दोनों नजर आ रहे हो। मैं एक वीसी इन्वेस्टर हूँ, एक वेंचर कैपिटल फंड में पार्टनर हूँ। मेरे फंड का नाम है कैरवान। मैंने अब तक पाकिस्तान में 8 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, मगर उससे पहले मैंने हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स के साथ ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स काम किया। थैंक यू सो मच। मुझे अब लोग नजर आ रहे हैं तो ऐसे नहीं लग रहा कि मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ, सो दैट्स गुड। मैंने बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स के साथ काम किया है, हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स को ट्रेन किया है। मैं अपना अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, मैंने अंडरग्रेड पाकिस्तान से किया था, मैंने पास इस्लामाबाद से बैचलर्स किया था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद मैंने यूफोन में कुछ टाइम जॉब की, फाइनेंस और अकाउंटिंग में। फाइनेंस और अकाउंटिंग जहर लगती थी उस टाइम पर, जैसे कि आई एम अज्यूमिंग आप में से कोई तो होगा जिसको मेरी तरह बुरी लगती होगी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। बट आई एंडेड अप एक्चुअली गेटिंग अ जॉब इन यूफोन इन द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, और वहां पे मैंने तकरीबन 1 साल जॉब की। और उसके बाद मैं उस जॉब से इतनी तंग थी कि उससे भागने के लिए मैंने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया और मैं यूएस चली गई अपना मास्टर्स करने के लिए। आई डिड माई मास्टर्स इन ऑन्टरप्रिनरशिप एंड स्ट्रैटेजी। आई एंडेड अप गोइंग टू बैप्सन कॉलेज, विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस फॉर ऑन्टरप्रिनरशिप स्पेसिफिकली। So I ended up going there, had the time of my life, highly, highly recommend applying for the Fulbright scholarship or any of the other scholarships that are available to you to try and get your master's from outside of Pakistan or, you know, other degrees, etc. Changed my life, came back to Pakistan, and I started working at Invest to Innovate, which is a startup accelerator. I don't know, aap logon ko kitni understanding hai, incubator accelerator ke baare mein understanding hai? शायद आप लोग म्यूटेड हो, मुझे तो आवाज नहीं आ रही किसी के जवाब की। अगर कोई जवाब दे रहा है तो म्यूटेड है जी। मीना, सब लोगों का जवाब था यस, वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग। जबरदस्त जबरदस्त। सो आई स्टार्टेड वर्किंग एट एन एक्सेलरेटर। आई वाज देयर हेड ऑफ स्ट्रेटजी एंड हेड ऑफ एक्सेलरेटर, एंड आई रैन दैट प्रोग्राम फॉर अबाउट 3.5-4 ईयर्स। जिस टाइम पीरियड में, एज यू कैन इमेजिन, मैंने अक्रॉस पाकिस्तान बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स के साथ काम किया, स्टार्टअप्स की साइड से उनके साथ काम किया, यानी कि मैं स्टार्टअप्स की साइड पे होती थी और इन्वेस्टर्स ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल होते थे। सो यू नो, हैड अ फैंटास्टिक टाइम डूइंग दैट, लर्नड अ लॉट। आई एंडेड अप लीविंग देम एंड देन आई जॉइंड द वर्ल्ड बैंक एज अ कंसल्टेंट एंड एडवाइजर ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। और वर्ल्ड बैंक में भी मैंने ऐसे प्रोग्राम्स डिजाइन किए और डेवलप किए जो कि एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं, पर्टिकुलरली द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फाइनेंसिंग इनिशिएटिव, जिसके थ्रू हमने 300 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को इन्वेस्टमेंट रेडीनेस की ट्रेनिंग दी है। इन्वेस्टमेंट रेडीनेस के बारे में ही हम आज थोड़ी और बात करेंगे। एंड आई ऑल्सो ज्वाइन एट द सेम टाइम कैरावान एज अ पार्टनर। कैरावान इज अ वेंचर कैपिटल फंड, और आज हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे कि वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है, क्यों होता है, और एंजल क्या होता है, क्यों होता है। आई डोंट नो अगेन कि आप लोगों को ऑलरेडी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, तो अगर आप लोग को ये सारी चीजें पहले से आती हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अच्छा, ये चीजें हमें ऑलरेडी आती हैं, इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप लोगों को थोड़ा सा रिफ्रेशर चाहिए तो देन वी कैन टॉक मोर अबाउट दिस एज वेल। सो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ पार्टनर एट कैरावान एज वेल। हमने कहा जी हसन जी, बस मैं कह रहा था कि प्लीज डू यू नो गो इनटू दैट दोस टॉपिक्स, क्योंकि आज हमारा आफ्टरनून में टॉपिक यही है, तो दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू। ठीक है जी, जबरदस्त। तो कैरावान के थ्रू हमने 8 इन्वेस्टमेंट्स किए हैं पाकिस्तान में, डिफरेंट स्टार्टअप्स में। हमारी पोर्टफोलियो कंपनीज में है ग्रोसर ऐप, ताजिर, रूमी, को नेचुरल, बेबी प्लानट। सो यू नो, वी आई थिंक विद एवरी सिंगल कंपनी दैट यू इन्वेस्ट इन यू लर्न इवन मोर। तो हमारी लर्निंग उस हिसाब से भी बहुत ज्यादा हुई है, और मेरी पर्सनली आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट विद एवरी सिंगल स्टार्टअप आई हैव इन्वेस्टेड इन। So today I'm going to be here with all of you till 1, and you know I'm looking forward. आप लोग मुझसे कोई भी question पूछ सकते हैं मेरे background के बारे में, जो काम मैंने अभी तक किए हैं उनके बारे में, but we're going to be talking particularly about fundraising. So पाकिस्तान में क्या के शायद globally भी ज्यादातर लोगों से अगर आप पूछो कि वो कोई business क्यों नहीं start करते, तो वो कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं, इसलिए हम business start करते। So funding या पैसा या investment actually happens to be one of the biggest reasons people don't start business. अंडरस्टैंड करने की बात ये है, और ये बात मैं पहले भी बहुत दफा रिपीट कर चुकी हूँ, कि फंडिंग जो है ना वो सिर्फ फ्यूल है। पैसा जो है वो बिल्कुल फ्यूल है जो आप अपनी गाड़ी में डालते हैं। वो फ्यूल गाड़ी में सिर्फ तब डल सकते हैं जब गाड़ी एग्जिस्ट करती हो।
उस फ्यूल के होने से एक्चुअली गाड़ी का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप गाड़ी बनाने की की स्किल सेट नहीं रखते या मोटिवेशन नहीं रखते, तो मैं आपको अगर पेट्रोल का एक कैनिस्टर दे भी दूं ना, तो आप उससे एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकेंगे, राइट? उसको उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप उसको आग लगा सकते हैं, दैट्स अबाउट इट। तो कैश या फंडिंग का भी यही है, आप उसको बर्न कर सकते हैं, आप उसको जाया कर सकते हैं, आप उसको आग लगा सकते हैं, बट उसके अलावा अगर आपके पास गाड़ी बनाने का, गाड़ी चलाने का नो हाउ ना हो, यानी कि आपको बिजनेस बिल्ड करने का, बिजनेस चलाने का मोटिवेशन और नो हाउ दोनों ही ना हो, तो एक्चुअली फंडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दैट हैज टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट। बिल्डिंग अ ग्रेट बिजनेस हैज टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट। फंडिंग, द ग्रेट थिंग अबाउट बीइंग इन दिस इकोसिस्टम टुडे इज के पैसा पाकिस्तान में बहुत तेजी से आ रहा है, क्योंकि दुनिया ने रियलाइज कर लिया है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, 220 मिलियन की पॉपुलेशन है, बहुत यंग पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बहुत तेजी से हो रहा है, कंट्री बहुत अंडर डेवलप्ड है, जिसका मतलब है अपॉर्चुनिटी स्पेसेस बहुत ज्यादा है। आप पाकिस्तान में किसी भी चीज का बिजनेस शुरू करें, अगर आप वो अच्छा बिजनेस शुरू करेंगे, तो 1-2 मिलियन आपको यूजर वैसे ही मजाक मजाक में मिल जाएगा, जो कि आई मीन, अब आप अगेन इफ यू कंपेयर इट टू अदर, अब कंपेयर कंपेयर्स टू अदर कंट्रीज, यूएस की पॉपुलेशन ज्यादा है, पर अगर आप बाकी सारों को देखें, कनाडा की टोटल 30 मिलियन पॉपुलेशन है, हमारी 225 मिलियन पॉपुलेशन है, राइट? सो मोस्ट, सेम फॉर ऑस्ट्रेलिया, सो मोस्ट कंट्रीज डू नॉट हैव द काइंड ऑफ डेंसिटी, डू नॉट हैव द काइंड ऑफ पॉपुलेशन, एंड इवन इफ दे डू, दे डोंट हैव द काइंड ऑफ पावर ऑफ यूथ दैट वी हैव इन पाकिस्तान। एंड यंग पीपल, व्हाट डज दैट मीन इन टर्म्स ऑफ अ बिजनेस? व्हाट इट मीन्स इज कि अगर मैं आज एक यंग पर्सन को अपना कस्टमर बनाती हूँ, तो उसकी लाइफ टाइम वैल्यू मेरे साथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसकी लाइफ टाइम ज्यादा है, राइट? ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, वर्सेस अगर मैं एक ओल्डर पर्सन को बनाती हूँ, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, तो वो उसके लिए मेरी लाइफ टाइम वैल्यू ऑलरेडी रिड्यूस हो जाएगी। सो हैविंग सेड दैट, नाउ वी आर गोइंग टू गो इनटू सम बेसिक्स ऑफ फंड रेजिंग। Any entrepreneur globally will start with what resources you have. So when you start a business, don't think about funding externally. First, think about resources internally. पहले आपने ये analysis करना होता है हमेशा कि आपको पैसे चाहिए कितने और वो किस चीज के लिए चाहिए। सबसे पहले that is what you start with. You start with introspection. आपको exact पैसे चाहिए कितने? मैं इतने ज्यादा लोगों से मिलती हूँ जो अपनी fundraising journey शुरू कर चुके होते हैं। They're meeting investors. But जब as an investor you ask them, okay, how much money do you need? They are actually fluctuating. हमें चाहिए तो 2 मिलियन, मगर अगर $300,000 मिल जाए ना तो भी चलेगा, which makes no sense whatsoever, because आपको मिलियन क्यों चाहिए या 2 मिलियन क्यों चाहिए अगर 300,000 से गुजारा हो रहा है? And what does that even mean in terms of strategy, right? So what you've got to come up with first and foremost is आपकी strategy क्या है, आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं, वहां पहुंचने के लिए आपको किन स्टेप्स से गुजरने की जरूरत है, उन स्टेप्स के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे, वो फिर पैसे आपने कैलकुलेट करने कि हमें ये चाहिए, एंड दैट्स हाउ यू कम अप विद अ यूज ऑफ फंड काइंड ऑफ डायग्राम और चार्ट आल्सो, व्हिच इज समथिंग व्हिच एवरी इन्वेस्टर विल आस्क यू फॉर। यू नीड टू नो हमें $200,000 चाहिए, $200,000 चाहिए, $1 मिलियन चाहिए, जो भी चाहिए, और उसका ये ब्रेकडाउन है, इस ब्रेकडाउन पे हम ऐसे ऐसे पैसे स्पेंड करेंगे, इतने टाइम पीरियड में ये पैसा स्पेंड होगा, और जब ये पैसा स्पेंड हो जाएगा तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी या पॉइंट सी तक पहुंच गए। देन स्टेप नंबर टू इज एक्चुअली स्टार्टिंग विद योरसेल्फ, व्हिच ऑफ द रिसोर्सेज दैट यू रिक्वायर आर रिसोर्सेज दैट यू कैन गेट इंटरनली और इन हाउस। मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स विल स्टार्ट विद पर्सनल सेविंग्स, दे विल स्टार्ट विद गेटिंग लोन्स आइदर थ्रू क्रेडिट कार्ड्स और डायरेक्टली थ्रू बैंक्स और थ्रू पर्सनल एसेट्स, राइट? Most people, when they start, they will use, and they should use, you should never be asking for money to get furniture for your office. No, you should be foraging that furniture from whoever you possibly can. You should actually maybe not be setting up an office unless it is an absolute necessity, right? So you try to start with whatever resources you need, and then you build on top of that. इसमें एक वर्ड आता है बूटस्ट्रैपिंग, आप इससे बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। बूटस्ट्रैपिंग का क्या मतलब होता है? बूटस्ट्रैपिंग का मतलब होता है कि हम और काम करके शुरू में अपने लिए पैसे रेज करने की कोशिश करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, आई एम वर्किंग ऑन अ बिजनेस राइट नाउ ऑफ माय ओन, आई हैव नॉट रेज एक्सटर्नल फंडिंग फॉर इट, आई एम बूटस्ट्रैपिंग। मैं जो काम वर्ल्ड बैंक के लिए करती हूँ, वहां से मुझे सैलरी मिलती है, उस सैलरी से एक्चुअली मैं उन लोगों की सैलरीज पे करती हूँ जो मैंने अपनी स्टार्टअप के लिए हायर किए हुए हैं, एंड दैट इज हाउ आई एम बूटस्ट्रैपिंग माय बिजनेस राइट नाउ अंटिल आई गेट टू दैट पॉइंट वेयर आई वांट टू देन रेज एक्सटर्नल कैपिटल। अगेन दिस चार्ट बेसिकली शोज मोस्ट को फाउंडर्स
will most founders will raise money from themselves, from their businesses, from their co-founders. Then they will raise money from friends and family. Then they will go to bank loans and lines of credit. And then they will go to VCs. Actually, a very this is old data, but very small percentage actually goes to VCs. Friends and family se paise lene ke pros and cons hote hain. Pakistan mein bhi bahut common hai friends and family se paise lena, even though hum sare logon ke friends and families aise nahi hote jo hame dollars mein paise lend kar sake, magar kam az kam rupee terms mein kabhi kabhi kuch na kuch paise hum logon se le rahe hote. Zyadatar startups jo hamare paas aati hain fundraising ke liye, unke unki financial records mein koi na koi loans hote hain. और उन लोन्स को यूजुअली जब वो वीसीज के पास आते हैं तो वीसीज को किसी तरीके से उन लोन्स को फिगर आउट करना पड़ता है. कोई भी वीसी आपको पैसे लोन पे ऑफ करने के लिए नहीं देता. सो अगर आपने 20 लाख का लोन किसी से ऑलरेडी ले लिया है तो आप अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कर सकेंगे कि आप एक्सटर्नल फंडिंग रेज करके पहले वो 20 लाख रुपए पे ऑफ करें, क्योंकि जब एक्सटर्नल फंडिंग आपको मिलती है तो वो हमेशा ग्रोथ कैपिटल होती है. यानी कि हम चाहते हैं कि हम जब आपको पैसे दें तो उस पैसों से आप कस्टमर एक्विजिशन करें, आप सेल्स जनरेट करें. हम पुराने लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए पैसे नहीं देते. सो जब आप पैसे लेते हैं किसी से भी, अगर आप फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड रेस करें, तो यू नीड टू मेक श्योर कि जो आपकी टर्म्स है ना वो बहुत क्लियरली डिफाइंड हो. आमतौर पे लोग अपने मामू से चाचू से पैसे ले लेते हैं मगर वो टर्म्स क्लियरली डिफाइंड नहीं होती. उन मामू और चाचू को स्टार्टअप की समझ भी बहुत कम होती है, तो वो आपको पैसे दे देते हैं उस वक्त फैमिली में प्रेशर में आपको हेल्प आउट करने के लिए, मगर कभी उनकी थिंकिंग ये होती है कि ये बिजनेस चल गया तो उनको प्रॉफिट का कट मिलेगा. कभी उनकी उनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि स्टार्टअप जो है वो कभी भी प्रॉफिट का कट किसी को दे नहीं सकता. ठीक है, एज अ स्टार्टअप स्पेशली इफ यू आर बिल्डिंग अ वेंचर कैपिटल स्टाइल कंपनी, यू विल नेवर बी एबल टू गिव एनीबडी रेवेन्यू शेयर या प्रॉफिट शेयर. ठीक है, तो उनको एक्सप्लेन करना कि आपका बिजनेस चलेगा कैसे और ये इसकी जो फंड रेजिंग है इसका प्रोसेस कैसे चलेगा, दैट इज वेरी क्रिटिकल बिफोर यू टेक मनी फ्रॉम एनीबडी एट ऑल. सो द प्रोसेस इज यूजुअली अनसोफिस्टिकेटेड और आमतौर पे होता ही है कि आपके ऊपर फिर अदर काइंड्स ऑफ फंडिंग अदर काइंड ऑफ प्रेशर आने शुरू हो जाते हैं. आप एक दफा किसी रिलेटिव से अगर पैसे ले लिए तो आपकी फैमिली भी उनकी बेहोल्डन हो जाती है, आप पर्सनली भी बेहोल्डन हो जाते हैं, आप उनको किसी बात पे इनकार भी नहीं कर सकते. हो सकता है बाद में वो आपकी कंपनी सक्सेसफुल हो जाए तो अब वो आपकी कंपनी से कर्जा मांगने आ जाए और तब आप उनको इनकार ना कर सके. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर एंड मेक श्योर एवरीथिंग इज रिटन डाउन एंड यू नो एंड ऑन पेपर. बिफोर आई गो इनटू एनीथिंग एल्स आई एक्चुअली वांट टू टॉक अबाउट एक्चुअली वी टॉक अबाउट रिस्क एंड रिटर्न व्हेन वी गेट टू वीसीज. आई वांट टू टॉक अबाउट एंजल इन्वेस्टर्स फर्स्ट. सो हमने जो एक प्रोसेस देखा उसमें देखा कि लोग पहले इंटरनली फंड रेस करने कुछ करते हैं, फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड करते हैं, फिर आमतौर पे लोग एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं. आप में से कुछ लोगों ने ये टर्म सुनी होगी क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में इस बारे में बड़ी बात होती है, जी एंजल इन्वेस्टर, एंजल कौन है, एंजल इन्वेस्टर कौन है. एंजल इन्वेस्टर्स आर यूजली रिच पीपल. ये अमीर लोग होते हैं जो कि पर्सनली अमीर होते हैं, यानी कि वो खुद से अमीर होते हैं, या तो वो अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो जिसको पाकिस्तान में हम इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं उस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, उन्होंने, या वो टेक एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा खुद कोई टेक बिजनेस बिल्ड किया होता है और उससे पैसे कमाए होते हैं. एक एंजल इन्वेस्टर जो होता है ना वो टिपिकली फुल टाइम इन्वेस्टर नहीं होता, उसकी कोई और जॉब होती है, उसका कोई और काम होता है. जैसे कि अगर उसकी टेक कंपनी है तो वो उसका वो टेक कंपनी रन करना इज देयर प्राइमरीली यू नो देयर प्राइमरी जॉब. या अगर वो फैमिली ऑफिस है तो उनकी कंपनी का जो फैमिली का बिजनेस है वो रन करना इज देयर प्राइमरी जॉब. देयर प्राइमरी जॉब इज नॉट टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स. जो अमीर लोग होते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज होती हैं. अमीर लोग अमीर रहने के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं. आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 5% जो है ना वो आप जाके डालते हो हाई रिस्क स्टार्टअप्स के अंदर. सो ये जो अमीर लोग हैं जो ये एंजल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आप ये अज्यूम कर लें कि ये इनकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का टोटल 5% है, तो फिर इनकी नेटवर्थ तो उससे भी कहीं ज्यादा है, राइट? क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हो तो उसमें आप रिस्क प्रोफाइल्स बहुत सारे डालते हो, आप लो रिस्क चीजें भी डालते हो, हाई रिस्क चीजें भी डालते हो. सो फॉर एन एंजल इन्वेस्टर दे आर इन्वेस्टिंग 5% ऑफ देयर टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. सो फॉर एग्जाम्पल इफ दे हैव 100 करोड़ टू इन्वेस्ट टोटल, दे विल बी इन्वेस्टिंग 5 करोड़ आउट ऑफ दैट इन स्टार्टअप्स. स्टार्टअप्स हैव हाई रिस्क, दे नीड टू हैव हाई रिटर्न्स. But having said that, angels will be investing based on a lot of other things as well. So they're not really doing very detailed risk calculations. Angels jab invest karti hain, to wo invest karti hain
दिल से सोच के. सो उनके लिए व्हेन यू आर पिचिंग टू एन एंजल, मे बी सोशल इम्पैक्ट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी मोर क्रिटिकल टू देम. मे बी इफ इट इज अ कॉज दैट इज क्लोज टू देयर हार्ट, इट इज गोइंग टू बी समथिंग मोर क्रिटिकल टू देम. एंजल्स ऑफन इन्वेस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू गिव बैक. एंजल्स विल ऑफन इन्वेस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू सपोर्ट कम्युनिटीज. एंजल्स विल इन्वेस्ट टू सपोर्ट द कंट्री. दैट्स वाई देयर इज अ लॉट ऑफ डायस्पोरा पाकिस्तानीज एक्सपैट्स जो कि पाकिस्तान में एंजल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और वो उन क्योंकि वो पैसे उनके लिए इतने मैटर नहीं करते, उस पर रिटर्न आए ना आए इतना मैटर नहीं करता. वो ज्यादा इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान को गिव बैक करना चाहते हैं. अ लॉट ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स ऑल्सो बिकम एंजल इन्वेस्टर्स बिकॉज इन्वेस्टिंग इज कूल. सो इट इज अ फन थिंग. दे हैव अ मेन जॉब विच इज देयर कोर ब्रेड एंड बटर, एंड इन्वेस्टिंग एज एन एंजल इज फन, इज यंग, इज यू नो फुल ऑफ पैशन. सो दे डू इट बिकॉज इट मेक्स देम फील गुड. ऑल्सो एंजल्स विल टिपिकली angels will typically not do a lot of due diligence. Due diligence kya hoti hai? Due diligence is a word which means the process of the vetting process that any investor will take a startup through. That is what is called a due diligence. Jab ek investor aap mein interested hota hai to uske baad wo due diligence process shuru karta hai. Wo process usually 1 to 3 months ka hota hai jiske andar wo aapke startup ko visit karte hain, aapke sath meetings karte hain, aapki team ko milte hain, आपके बैंक अकाउंट को देखते हैं, आपकी स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते हैं, आपके टेक को टेस्ट आउट करते हैं, आपके बैक एंड को देखते हैं. वो मेक श्योर करते हैं कि जो आपने अपनी पिच में उनको बातें कही हैं वो एक्चुअली सच हैं कि नहीं. वो मार्केट एनालिसिस भी करते हैं, वो रिसर्च करते हैं आपके कंपेटिटर्स के ऊपर भी, और वो ड्यू डिलिजेंस के एंड पे एक रिपोर्ट क्रिएट करते हैं जो कि जाके वो अपनी इन्वेस्टमेंट कमिटी को दिखाते हैं कि भाई ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, तो डू वी इन्वेस्ट इन देम और नॉट. So angel investors will typically not do anything of that sort. They will not do a detailed due diligence because they don't have the time for it, because they do not have the capacity for it. This is not their full-time job. So badi dafa ye hota hai, aur bahut sare rounds mein aap Pakistan mein bhi dekhenge ki angels will be co-investing with VC investors because they know that the VC will have done their due diligence. So they will come on board when a VC they trust has come on board and they will follow. So Pakistan mein aap sare log jo dekh rahe honge bade bade rounds ho rahe hain ji, 7 million raise kiya, 10 million raise kiya, 15 million raise kiya. Aap Pakistan mein current VC funds ko agar total kare na, aur VCs ke ticket sizes ko, ticket size kehte hain us amount ko which a VC is going to typically invest. So every VC fund and every angel investor has a ticket size. For Caravan our ticket size is $50,000. For Sarmayakar, their ticket size is $300,000 to, I think, $1 million or $2 million. Same for Fatma Gobi Ventures, right? They start at about $400,000. I think they go all the way up to about $2 million. That is their ticket size. So if you add up the ticket sizes for all of the funds that are currently in Pakistan, all the Pakistani funds, you can pretty much not get to a $14 million funding round anyway, right? So up to international funds bhi aa gaye hain, but generally people will bring in a VC and then they will add a whole bunch of angel investors to make up their complete round. Yahan tak sabko samajh aa rahi hai? Any questions that you want to ask about angel investors at this point? जी मीना, लेट्स कीप गोइंग. सब लोग कह रहे हैं कि उनकी समझ में बड़े अच्छे से आ रहा है, माशाल्लाह, वेरी गुड. ठीक है जी. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीसीज. व्हाट इज अ वीसी एंड व्हाट इज अ वेंचर कैपिटल फंड? एक अनलाइक एन एंजल, अ वीसी इज नॉट यूजुअली अ रिच पर्सन देमसेल्व्स. ठीक है, दे कैन बी बट देयर यूजुअली नॉट अ रिच पर्सन देमसेल्व्स. अ वीसी इज समबडी who is a professional investor that invests in startups. Theek hai? A VC is a fund manager. So as a VC myself, what I'm doing is I'm going to other rich people and saying, hey, you want to invest in startups? You want to put 5% of your total investment portfolio in high-risk startups? You don't have the time to be an angel investor, because even to be an angel investor, kuch time to required hai na? Startup se baat karni hai, milni hai, kuch thodi bahut due diligence karni hai, kuch figure out karna hai. This is not your core job. This is not your expertise. Maybe you're not connected to the ecosystem as much. So what you should do is you should give me your money. I am creating a fund with money from people like you. And then I will go out and invest that fund on your behalf. And I will give you return on that fund. So, and I have the credibility to do this because
I've been working in this ecosystem for so long, I've done this before, blah, 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 whatever my skill sets, my credibility is, right? But that's what I go out and sell to rich people. And then those rich people, if they decide to put money in my fund, they will become my LPs. Aap ye word bhi sunenge. I'm an LP in Atif Awan's fund. I'm an LP in Faisal Aftab's fund. I'm an LP in XYZ. An LP is a limited partner. That means that this guy is a rich guy who has put their money into somebody else's fund. And now that fund is investing money on this person's behalf. This person actually does not have any say in how that fund is now going to invest. Once they give me that money, it's up to me to decide who I will give that money to. So as an angel investor, that person gets to decide who they put their money in. As an LP, they put their money in my fund. Now I will put money in other people, in startups, right? So they don't get kind of decision-making power on that, but that's what an LP is. Now let's come to me. Now I've collected money from a whole bunch of different rich people and I have that pool of money and I've got to go out and invest that money, right? A fund is usually a 10-year life fund. So when I'm raising the fund, I will tell them that ye jo main paise collect kar rahi hu, iska main ek fund bana rahi hu, ye total main $10 million ka fund banaungi, $15 million ka banaungi, 30 ka banaungi, 5 ka banaungi, jitne ka bhi main fund banaungi. Is fund ki life hogi 10 saal aur is 10 saal mein se jo pehle 3 saal hain wo mera deployment period hai, yani ki pehle 3 saalon mein main ye paise logon mein invest karun. So aap sare log dekh rahe honge ki jo naye funds Pakistan mein bante hain wo apni life ke shuru mein bahut zyada tezi se investments kar rahe hain. That is because their deployment period is about 3 to 4 years, just mein they have to. So if Rabil has announced that he has $30 million in as a fund, he now has to spend that $30 million in about 3 to 4 years of time and deploy it into startups. So aap sare log jab sunte hain, koi local investor jo kehta hai mere paas 10 million hai, to aapko samajh aa jani chahiye, 10. And then usually local, you will also hear that Atif Awan ke paas $15 million ka fund hai. Atif ne already 4 investments kar di hain. Agar aap assume kar lein ki ek investment, kyunki Atif ka ticket size wo khud kehta hai is about $400,000, so uska 4 investments agar usne kiye hain, 5 investments usne kiye hain, to usne kitne paise spend kar diye, to iska matlab hai uske paas itne paise abhi bhi rehte hain aur uska fund shuru hue 2 saal ho gaye hain, to iska matlab hai usko bahut tezi se investment karne ki zarurat hai. So if you go and pitch to Atif, maybe your probability of being able to raise investment would be a little higher, right? Versus if you come to Caravan aur hamare fund ne karni hi 10 investments thi, humne 8 kar diye hain, so your chances of raising from me might be lower because I just have to make 2 more investments now, right? So ye main aap logo ko internal workings of VC bata rahi hu, taake, you know, when you go out to fundraise, you should keep all of these kind of tips and tricks in mind, right? When you're analyzing who you speak to, yeah, who you spend more of your time talking to. Caravan agar next fundraise karta hai, main next year announce karti hu, maine 10 million ka fundraise kar liya hai, us waqt is the best time to come and pitch to me. Because that means now I have to deploy $10 million or $8 million in the next 2 to 3 years, which means the pressure is on me now to try and find more and more startups, right? Okay, so now I have money and I've told you that I need to deploy, I have a 10-year life and I have to deploy it in the first 3 years. And what happens after the first 3 years, once my money is deployed, jo baki 7 saal hai ya 6 saal hai after deployment period, wo I'm going to be spending working with my portfolio companies, helping them raise their next round, helping them grow, because I want return at the end of my 10-year time, right? How does return work? And this is the most critical thing you've got to understand about VCs and how they invest. Jab main as a VC fund raise karti hun, to main kuch promise karti hun apne LPs ko, right? Main unko kehti hun ki aap mujhe paise dein, main isko aapko, is pe aapko in a return dungi 10 saal mein. Wo jo return hota hai na, that amount is pretty high. And I'll tell you why that amount is high. Globally, we assume that 9 out of 10 startups fail, right? Globally, 3 out of 20 startups will actually survive. Pakistan, may we assume that 1 in 10 startups is actually going to give an investor any return. Iska matlab hai ki as Caravan, agar maine 10 investments kiye na, to global average ye kehti hai ki meri 10 investments mein se 9 ne band ho jana hai. Aur in mein se sirf ek survive karegi for the 10-year period. Aur 10 saal baad, us ek ne mujhe इतना रिटर्न देना है पूरे पोर्टफोलियो पे जो रिटर्न मैंने अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस किया. सो व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग आई ऑलरेडी नो दैट दैट एटलीस्ट ग्लोबल एवरेजेस से दैट 9 आउट ऑफ माय 10 पोर्टफोलियो कंपनीज विल फेल, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू डिक्रीज माय रिस्क एज मच एज पॉसिबल एंड ट्राई एंड फाइंड
पूरी की पूरी 10 कंपनियां ऐसी जिनके सर्वाइवल के चांसेस एक्सट्रीमली हाई, उनके एग्जीक्यूशन केपेबिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छे हो, उनका मार्केट साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो, ताकि मेरा रिस्क इतना मिटिगेट हो जाए कि मैं कि ये जो 1 out of 10 है ना, ये मेरी फेवर में हो एट द एंड ऑफ द डे. एंड आई नीड ऑल ऑफ देम टू बी प्रॉमिसिंग 10x रिटर्न ऑन माय इन्वेस्टमेंट एट लीस्ट, राइट? एंड दैट इज फैक्टरिंग इन के अगले राउंड में मेरी एक्विटी कम होती जाती है क्योंकि डाइल्यूशन होते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू गो टू डाइल्यूशन, दैट इज अ मोर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक एंड you would need more time kind of to go through that. But very simply, main ab already, so in my portfolio companies, I don't know if you guys have heard of Mocha Online. Mocha Online was one of my portfolio companies which has already shut down. For whatever reason, they have already shut down. Eat Mubarak was one of my portfolio companies which hasn't shut down yet, but they had to pivot and they've changed their model completely, right? So meri अगर मैंने 8 इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो उनमें से ऑलरेडी अब मेरे पास 7 रह गई हैं, एक ऑलरेडी शट डाउन हो गई है, तो मैंने जो 2 और करनी है दे हैव टू बी सो गुड कि वो जो एक शट डाउन हुई है उसका भी रिस्क मैं किसी तरह मिटिगेट कर सकूं. दिस इज व्हाई व्हेन यू गो टू अ वीसी एंड यू आर ट्राइंग टू रेज मनी, आपने पहले ये कैलकुलेशन करके जानी है कि आप उनसे जो पैसे मांग रहे हैं आप उस पैसों पे उनको 10x रिटर्न प्रॉमिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. आप जो उनको मार्केट साइज शो कर रहे हैं वो कितना बड़ा है, आपके जो अपने प्रोजेक्शंस हैं वो कितने इन लाइन है विद द काइंड ऑफ रिटर्न्स दैट अ वीसी रिक्वायर्स. एंड आई हैव टोल्ड यू वी रिक्वायर 10 टाइम्स ऑन आवर पोर्टफोलियो. सो इफ माय टोटल पोर्टफोलियो इज 500,000, आई नीड योर कंपनी टू गिव मी बैक 10x ऑन दैट. डज दैट मेक सेंस? ओके. So that's what I wanted to kind of talk about in terms of a VC, understanding ki ek VC kya soch raha hota hai, because this is then, so that's why when VCs ask for projections, that is why we're asking to see your 5-year projections, ya even your 10-year plan. Agar main aapse poochti hu ki acha, where do you think this is going to be in 10 years time, what I'm trying to judge is ki in 10 years time jo strategy aap follow karna chahte hain, you know, maine shuru mein kaha tha ki aapki startup ek gaadi hai aur paisa fuel hai, right? उस गाड़ी में फ्यूल डाल के आप 10 सालों में इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचेंगे, या 10 सालों में इस्लामाबाद से कराची पहुंचेंगे, या 10 सालों में आप इस्लामाबाद से यू नो व्हाटएवर बांग्लादेश तक पहुंचना चाह रहे हैं, राइट? आप कितनी दूर तक सोच रहे हैं और कहां तक इसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उस फ्यूल को डालते हुए, आपकी ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी कितनी अग्रेसिव है, राइट? अगर आप सिर्फ इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं इसका मतलब यू आर नॉट थिंकिंग वेरी अग्रेसिवली. अगर आप इस्लामाबाद से कराची तक पहुंच रहे हैं उस गाड़ी को लेके, दैट मीन्स इट्स स्लाइटली मोर अग्रेसिव. And I need to see कि मुझे 10 year में क्या return चाहिए और आप जो return promise करें वो लाएं. We get so many startups that come to us जो कि आके कहेंगी कि जी मेरा I think मैं पहुंच जाऊंगा $2 million तक in 5 years time, which means nothing at all. अगर आप 2 million तक पहुंच रहे हैं तो आपकी शायद valuation उस तक $4 million और $6 million हो, that means what 5 years में अगर आप वहां तक होगी तो 10 सालों में कहां तक पहुंचेगी? That doesn't give me the kind of return that I need, right? So you need to be doing that return calculation before you speak to any VC. ड्यू डिलिजेंस की मैंने बात कर दी, क्या चीज होती है. आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, दीज आर गोइंग टू बी द लास्ट कपल ऑफ थिंग्स दैट आई टॉक अबाउट एंड देन वी विल ओपन दिस अप फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स. व्हेन यू आर लुकिंग फॉर फंडिंग, व्हाट डू यू नीड टू प्रिपेयर बिफोर यू स्पीक टू एनी इन्वेस्टर? यू नीड टू नो योर बिजनेस इन एंड आउट. यू नीड टू नो योर सेक्टर सो वेल दैट व्हेन आई स्पीक टू यू आई से, ओ माई गॉड, दिस इज द पर्सन इफ आई एवर हैव अ क्वेश्चन अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्टर, राइट? You need to know internally on your business. You need to know कि आपके costing क्या है, cost drivers क्या है, assumptions क्या है, market size क्या है, आपकी revenue assumptions, revenue models क्या है, आपके competitors, आपके comparables क्या होते हैं कि कोई international company that has done what you are trying to do, because what that does is validates your model. अगर आप मुझे ये कह सकें कि भाई मैं जो चीज start कर रहा हूँ ये इंडिया में XYZ company ने already की है और वो unicorn बन गए हैं, तो वो automatically मुझे ये बताता है कि अच्छा this thing works, right? Somebody else has done it. It's not like a completely new thing that this person is going to be risking my money on. It decreases my risk. So remember, a VC, when they're talking to you, is trying to see how does investing in you mitigate their risk? How does it reduce their risk? They are trying to find an asymmetric risk profile, jahan pe mera risk kam ho aur return potential maximum ho. That's the kind of deals that I'm looking for, right? Strategic vision, where do you want to take the business? And what do you need to do to get there?
और इसमें आपका हायरिंग प्लान भी आ जाता है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, आपकी सारी रिसोर्स स्पेंडिंग आ जाती है, राइट? कंपनी स्ट्रक्चर, आपकी कंपनी स्ट्रक्चर करेंटली क्या है, आपको यू हैव टू बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू रेज मनी, व्हाट आर द लीगल स्ट्रक्चर्स दैट यू हैव इन लाइन, देन योर कैप स्ट्रक्चर, एंड दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन. योर जब आपसे कोई कहता है आपका कैप स्ट्रक्चर क्या है, उसका मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी में ओनरशिप कितनी और किस किस की है, यानी कि अगर आप तीन को फाउंडर्स हैं तो डू यू थ्री हैव इक्वल परसेंटेजेस, डज वन हैव मोर वन हैव लेस. कभी कभी आपने गलती से किसी को, किसी बिल्कुल रैंडम पर्सन को बहुत ज्यादा परसेंटेज दे दी होती है, नोबडी विल इन्वेस्ट इन यू इफ यू डू दैट, नोबडी विल इन्वेस्ट इन यू इफ यू हैव गिवन अ मेजोरिटी स्टेक टू एन एक्सटर्नल पार्टी, इवन इफ इट्स अ प्रीवियस इन्वेस्टर, नो स्मार्ट इन्वेस्टर विल गिव यू मनी दैट वे. सो यू नीड टू क्लीन योर कैप स्ट्रक्चर, यू नीड टू क्रिएट इट इन अ वे दैट वर्क्स फॉर वीसीज, हु इज एन ओनर एंड एट व्हाट स्टेक. Developing your funding strategy. So, आप अगर 10 सालों में इस्लामाबाद से कराची पहुंचना चाहते हैं या इस्लामाबाद से बांग्लादेश पहुंचना चाहते हैं, तो नंबर वन आपके पास आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, आपकी गाड़ी मजबूत होनी चाहिए, आपके पास मैप होना चाहिए, और फिर आपको पता होना चाहिए कि आप सिर्फ इस्लामाबाद में आज फ्यूल डलवा रहे हैं तो वहां वो फ्यूल तो आपको बांग्लादेश तक नहीं लेकर जाएगा, राइट? सो आपने मुझे बताना है कि आपने रास्ते में कहाँ कहाँ रुक कर नेक्स्ट राउंड रेज करने हैं. सो मैं आज एक राउंड रेज करूंगा, वो राउंड मेरा $200,000 का राउंड होगा, उससे मैं इतने कस्टमर्स एक्वायर कर लूंगा, मेरी कंपनी इस पॉइंट तक पहुंच जाएगी, मेरी वैल्यूएशन इतनी हो जाएगी, इस पॉइंट पे 6 months, 8 months, 1 साल, 1.5 साल बाद मैं अपना नेक्स्ट फंडिंग राउंड रेज करूंगा, तब मैं आज 200,000 का राउंड रेज कर रहा हूँ, वो 2 million का राउंड होगा, वो 2 million का राउंड मैं अगले 1 साल में स्पेंड करूंगा, मैं उससे इतने कस्टमर्स एक्वायर करूंगा, मैं ये चीजें स्टार्ट करूंगा, मैं एक नई सिटी में मूव करूंगा, ब्ला 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 ब्ला. उसके 1.5 साल बाद मैं नेक्स्ट राउंड रेज करूंगा, वो 10 million का राउंड होगा. एंड एटलीस्ट अगले 2-3 फंडिंग राउंड्स यू शुड ट्राई एंड थिंक थ्रू, राइट? एंड योर इन्वेस्टर, वंस टू बिकम योर इन्वेस्टर, विल ऑल्सो हेल्प यू थिंक थ्रू दिस. बट जितना ज्यादा आप उनको दिखाएंगे कि ये चीजें ऐसी हैं जो आपने सोची, एंड बाय द वे इफ यू गो टू इन्वेस्टर, एन इन्वेस्टर विद these things that are on the slide done, you will already be in the top 2% of startups that are pitching to that investor. Because most startups do not know that they have to do all of this work. They do not put all of this work down, right? So, unko kisi ne bataya nahi hota, unko unhone sikha nahi hota, to wo ye kaam nahi karke jaate. To jab aap ye kaam karke jayenge, to aap already unko impress kar rahe honge, kyunki, and for us also, right, some of the startups we've invested in, we think they are by far among the best startups in Pakistan just because how prepared they were. You build something which is called a data room, which is essentially a Google folder or an online drive folder, जिसके अंदर आपकी projections होती हैं, आपकी pitch decks होती हैं, और ये सारी चीजें जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ना, आपका cap table होता है, ये सब कुछ होता है, and that's called a data room. If you have a data room ready before you speak to an investor, right? An investor asks you a question, you know the answer. Never ever ghost an investor. If they ask you for something, don't take 2 months to make it, because once you do, they realize ki aapne, you were not serious enough about this, you've not thought this through, etc., right? So that is you giving them a bad impression to start with. Do the work first and then go speak to an investor. Take a month's time, take 2 months, take 3 months before you start doing this, but make sure you have things in line before you go and present yourself to an investor. And that is not just your pitch deck. Just your pitch deck doesn't mean anything, right? Then you identify potential investors. You work on your pitch deck. Your pitch deck can also change investor to investor. Agar aap investors pe kaam karenge na, aap apne paas ek Google Doc banaye jisme aap dalein ki aapke paas investors available kaun se hain. Un logon ne recent investments kaun kaun si ki hain, Excel file bana lein. Kaun si recent investments ki hain, unka ticket size kya hai. Based on their recent investments, आपको क्या लग रहा है कि वो किस टाइप की इन्वेस्टमेंट, किस टाइप की स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? एक इन्वेस्टर से अगेन, राइट, लाइक दीज आर टिप्स एंड ट्रिक्स टू ट्राई एंड मेक यू द टॉप 2% ऑफ स्टार्टअप्स दैट पिच टू एन इन्वेस्टर. लुक अप देयर इंटरव्यूज. एवरी इन्वेस्टर गिव्स इंटरव्यूज, दे स्पीक ऑन पैनल्स, दे गिव टॉक्स, दे राइट स्टफ. रीड अप अबाउट देम, रीड अप एंड लिसन टू द काइंड ऑफ थिंग्स दे से. And then change and evolve your messaging so that it is in the language that they understand. You know how you do it when you talk about customers? Jab hum marketing ki baat karte hain, hum kehte hain apne business ko best represent karne ke liye, understand who your customer is, and then change your language so that it is reflective of what the customer wants to hear. My husband Umar is also a VC investor, and he always gives this example of an international investor jo ki Umar ki ek portfolio company ko jawab nahi de chuka tha, right?
बैक एंड फोर्थ चल रहा था, बड़ा लंबा हो गया था वो बंदा, उसके असिस्टेंट्स बात कर रहे थे, वो खुद बात नहीं कर रहा था. एंड सोमर डिड सम रिसर्च एंड ही रियलाइज कि ये बंदा ना हर पैनल पे जाके कहता था आई लाइक टू इन्वेस्ट इन कॉकरोचेस, एंड एवरी सिंगल टॉक ही वुड गिव ही वुड टॉक अबाउट ओ आई लाइक टू इन्वेस्ट इन कॉकरोचेस, आई लाइक टू इन्वेस्ट इन कॉकरोचेस. सो उमर रियलाइज दैट व्हाट दिस पर्सन वैल्यूड मोर देन एनीथिंग एल्स इज परसिवियरेंस, बिकॉज कॉकरोचेस आर फेमस फॉर रेजिलियंस, राइट. कहते हैं कि जी एटॉमिक वॉर भी होगी तो कॉकरोचेस विल सर्वाइव, दे विल सर्वाइव अ न्यूक्लियर वॉर. सो परसिवियरेंस इज व्हाट दिस गाय इज वैल्यूइंग अबव एनीथिंग एल्स इन द काइंड ऑफ इन्वेस्ट इन द काइंड ऑफ स्टार्टअप्स दैट ही इन्वेस्ट्स इन. सो उमर सेट अप अ कॉल विद हिम एंड इन दैट कॉल ही टॉक्ड अबाउट हिज पोर्टफोलियो कंपनी एंड द ओनली थिंग ही हाईलाइटेड वॉज हाउ मच ग्रिट दीज फाउंडर्स हैड. ही सेड यू नो आई हैव दिस पोर्टफोलियो कंपनी who have really, really shown perseverance in how they have done the work over the past few years. They are extremely gritty, they're on ground, they're getting things done. And, you know, whatever hurdles come in their way, they have really shown that they have resilience. And Umar didn't sell the startup to this guy. He didn't say, oh, they've already messaged you, you should get in touch. He didn't message him to say, hey, my portfolio company has gotten in touch, you should get back to them. No, he just talked about this portfolio company during a course of a conversation, highlighting their perseverance. And literally after that call, this guy sent an email back to that portfolio company saying, hi, sorry, I've been busy. I haven't gotten back to you on your email. I would love to set up a call. And he ended up investing in that portfolio company, right? So this is an example of how when you do your homework. So, you know, yeah, you're thinking about pitching to Atif Awan, look up Atif's talks. Atif ne itni zyada interviews diye hain, panels pe baatein ki hain, keynotes diye hain. Look him up. You're thinking about investing in Faisal Aftab, listen to Faisal Aftab and figure out what makes him tick. What are the things he's interested in? And what about your business? Can you highlight to him that would get him excited? And finally, yeah, the investors that you select, what is the value that they add beyond just giving you money? Because this is a 10-year long relationship, right? You do not start a 10-year long relationship with anyone unless your value, shaadi bhi nahi karni chahiye jab tak values na align ho aapki, right? You never start a 10-year long relationship with anyone until your values really align with that person. And it is the same for investors. So that's why investors also spend a lot of time talking to people because they also want to align their values and you should be doing the same thing. One way to do it is also to speak to their portfolio companies. So for example, if you want money from me and you're thinking, oh, what value will Meena add? You should speak to one of my portfolio companies to find out, hey, is Meena a good investor? Would you recommend that we take investment from Meena, right? Or is Caravan a good investor? What value do you think they've added to your business, right? Because that's the kind of research you should be doing it. To reiterate, what are investors looking for? They're looking for how you present the traction that you've already built with your company. They want to find out ki wo jo gaadi banane ka main keh rahi hu wo aapne bana li hai ki nahi, wo gaadi aapko chalani aati hai ki nahi, aapne usko test drive pe nikal ke dekha hai ki nahi. So that is your traction so far. Aapka capital requirement kya hai, kitne time period ke liye, aap usko spend kaise karenge, aapki jo opportunity hai uska size kya hai. और फिर फाइनली बात आती है एक्चुअली आफ्टर ऑल ऑफ दिस बात या बात प्राइसिंग पे आती है कि आपने अपनी कंपनी की प्राइस क्या लगाई है और आप कितनी इक्विटी देने को तैयार हैं इन रिटर्न फॉर दैट मनी. आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू कंपनी वैल्यूएशंस, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टॉक टुडे एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक. बट इफ दैट इज समथिंग दैट इंटरेस्ट यू, आई वुड हाईली रिकमेंड दैट अगेन यू लिसन टू टॉक्स, यू लुक अप वैल्यूएशंस, यू रियली अंडरस्टैंड हाउ दिस डन. Or you get in touch with someone professionally who is an expert in valuations to help you do this, to make sure that you are not exploited. The more work you put in, the less your chances of exploitation are. And when I say work, I genuinely mean getting advice, talking to people, listening to videos and stories and podcasts and understanding how this world works, just so you are not exploited, because we still hear so many stories of exploitation. क्योंकि कोई आपके पास आया उसने कहा यार मैं तुम्हें 10 लाख दे दूंगा तो मुझे 60% दे दो, और क्योंकि उस वक्त आपको 10 लाख बहुत लग रहे होते हैं तो आप 60% दे देते हो और बाद में पता लगता है 10 लाख कुछ भी नहीं था और आपने 60% दे दिया है, इसका मतलब है कि कोई और आप में अब इन्वेस्ट नहीं करेगा. सो आपको कंपनी बंद करनी पड़ जाती है उस बंदे से भी जान छुड़ाने के लिए जिसने 60% ऑफ द कंपनी रखा होता है, और बड़ी दफा आप कंपनी उसको दे के वहां से निकलते हो क्योंकि उस 60% उसका है तो इसका मतलब है कंपनी उसकी है. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट एक्सप्लॉइटेड, दैट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इन ऑर्डर एंड यू शुड रीच आउट टू एक्सपर्ट्स टू गेट दिस डन.
On the screen now, this is my last slide. You will see a map of the investment landscape of Pakistan. Ye bhi ab 2 saal purana ho gaya, this map has changed. I would highly recommend Invest to Innovate does a lot of this kind of research. They have a lot of tools. They have a deal tracker tool also, which is on their website. It is free information. Yahan se aap, this is your starting point to know who are the people who are currently investing in Pakistan. So jo maine aapko kaha hai ki aap apni investor list banaye and then get to know them and then figure out how to get in touch. These are the starting points for you. Look up these lists, then make your Google Excel sheet, and then start putting stuff in so that by the time you're prepared to reach out, you know who you want to reach out to and how.